खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से, जहां क्राइस्ट शेपर्ड चर्च मिनिस्ट्री और प्रिंस ऑफ पीस टीवी की टीम का मुश्तरका दौरा जड़ावाला। तफसीलात के मुताबिक क्राइस्ट शेपर्ड चर्च मिनिस्ट्री और प्रिंस ऑफ पीस टीवी के वफद ने प्रिंस ऑफ पीस टीवी के डायरेक्टर कराची पास्टर अशरफ डैनियल बट्टी की क्यादत में जड़ावाला का खसूसी तौर पर दौरा किया। वफद में प्रिंस ऑफ पीस टीवी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर फ्रांसिस गिल, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर इमरान भट्टी, सिक्योरिटी इंचार्ज शकील नजमी, रियाज खान साहब, प्रिंस ऑफ पीस टीवी के डायरेक्टर इस्लामाबाद पादरी यूनस गिल, नदीम खुरम, अरशाद मसीह और माइकल जुवेद शामिल थे। वफद ने मुतासरा इलाका का दौरा किया और बहाली के कामों का जायजा लिया। अपने खिताब में पास्टर अशरफ डैनियल भट्टी ने कहा, हम मसीही अमन पसंद लोग हैं और तमाम अंबिया इकराम और तमाम अल्हामी किताबों का दिल से एहतराम करते हैं। हम इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं, हमारे साथ सौतेली मां जैसा सलूक बंद किया जाए। उन्होंने कहा, ऐसे वाकयात मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश हैं। उन्होंने कहा, रियासत पाकिस्तान अकलियतों को हकूक और तहफ़ फराहम करे। उन्होंने मुतासरीन की माली मदद के साथ साथ इनकी बहाली के लिए दुआ भी की। उन्होंने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की, बका, सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ भी की। रिपोर्ट आशिक भट्टी, सेक्रेटरी नशरियात, प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गोजरात। ईसा नगरी कॉलोनी जड़ावाला के अंदर प्रिंस ऑफ पीस टीवी की सारी टीम पास्टर अशरफ डैनियल भट्टी साहब की क्यादत में, जो कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के डायरेक्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। पास्टर यूनुस गिल साहब मौजूद हैं, इस्लामाबाद से तशरीफ लेकर आए हैं। प्रिंस ऑफ पीस टीवी की सारी टीम यहाँ पर मौजूद है अपने मेहरबानियों की दादरसी के लिए। हमारे साथ भाई शहबाज मौजूद हैं, इनसे जाने की कोई सवाल से क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम शहबाज मसीह, ईसा नगरी जड़ावाला। ये ऐसे वकुआ हुआ कि हमें 8 बजे पता चला कि इधर से लोग निकाल दो, बस्सी ईसा नगरी में से हमने निकालने शुरू कर दिए लोग। 10 बजे का जुलूस था तो 10 बजे जुलूस आया, तो तब आते ही उन्होंने सबसे पहले मेन चर्च, बाद में ये आंचल चर्च, बाद में ये कैथलिक चर्च, इसको गिरा दिया गया। क्रास को शहीद किया गया, बैबल मुकद्दस को शहीद किया गया। तब मैं जब ये आ रहे थे तो मैं सामने खड़ा था, मैं भाग के एक मुस्लिम घर है उनके घर में घुस गया, जाके उन्होंने मुझे कहा कि अंकल इधर आप खड़े हो जाए, तो मैं सामने वीडियोस बनाने लगा कि ये क्या क्या कर रहे हैं। वो अभी भी वीडियोस मेरे पास हैं। उन्होंने मेरा घर को जला दिया, खुदावंत के घर को जला दिया, तो मैं देख रहा था अपनी आंखों से ये। जब उन्होंने जला दिया फिर वो चले, जब मैंने आग देखा तो सारा कुछ खाक में मिल गया। आपके घर का नुकसान कौन कौन सा हुआ? हमारे घर का नुकसान, ये देख सकता है आपका कैमरा, ये छत गिर गई है, ये भी छत गिर गई है, ये फ्रिज वगैरह, एसी वगैरह, एसी तो ले गए हैं। उसमें खास बात ये है कि चोर डाकू भी थे। अच्छा, लूटने वाले भी थे, ज्यादा अक्सरियत की तादाद में लूटने वाले थे। पेटियां मारी, इधर नहीं थी पेटियां, अंदर थी, इधर से पेटी उठा के इधर बाहर निकाली, नया नया सामान जो था वो ले गए, जो पुराना था उसको जला दिया गया। बहुत शुक्रिया। आगे देखेंगे कुछ। आप आगे ना जाएं क्योंकि छत गिरने वाली है।
मसीह के अजीम जलाली और बबरकत नामी आप सबों की सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि जड़ावाला सिटी के अंदर एक बहुत ही दिल खराश सानहा पेश आया 16 अगस्त को, तो हमारी प्रिंस ऑफ पीस टीवी की टीम पास्टर अशरफ डैनियल बशीर साहब की क्यादत में यहां पर पहुंची है और हमारे साथ खुदा के कारण एल्डर अयूब साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कोई किस सुबुआ के हवाला से क्या कहना चाहेंगे। जी सबको सलाम। पाकिस्तान की तारीख बड़ी बड़ी है, उसके साथ बहुत ज्यादा से और 16 अगस्त 2023 को इस बात को दोबारा दोहराया गया, मसीहियों के साथ एक बार फिर जुल्म और ज्यादा के पहाड़ तोड़ेंगे और जड़ावाला के अंदर पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई दिलखराश वाकया पेश आया। इसमें 26 से ज्यादा चर्च बिल्डिंग्स को जलाया गया, लाचाजाद घरों को आग लगाई गई, कब्रस्तानों को आग लगाई गई और बाइबल मुकद्दस की तोहीन और बेहरमती करते हुए उसको जलाया गया। तो हम बतौर पाकिस्तानी मसीही, पाकिस्तानी कलीसिया इज्तमाई तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत से और आलमी अदारों से यूएनओ से ये इल्तिजा करते हैं, अपील करते हैं कि जड़ावाला के मसीहियों को बिलखसूस और पाकिस्तान भर के मसीहियों को बिलमू तहफ़ फ्राहम किया जाए और इनको इंसाफ फ्राहम किया जाए और जड़ावाला के अंदर जो नुकसान हुआ है इसका जल्द अज जल्द मुदावा किया जाए और जो खौफ व हरास है यहाँ की मसीही कलीसियाओं के अंदर उसके हवाले से पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को अपना अमली करदार फौरी तौर पर निभाना चाहिए और हम सब पाकिस्तान की मसीही कलीसियाएँ प्रेस्बिटेरियन चर्च और दूसरी तमाम डिनोमिनेशन पाकिस्तान के जड़ावाला के मसीहियों की इस दुख में बराबर के शरीक हैं। थैंक यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर जड़ावाला सिटी के अंदर जो सानहा हुआ है यहाँ पर अमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुतासरीन बहुत कम हैं, लेकिन जो दूसरे गांवों से दूसरे देहात से दूसरे शहरों से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं वो अमदाद यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन वो जो हक है जिनका उनके पास अमदाद नहीं पहुँच रही। आलमगीर कलीसिया के साथ हो, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सिचुएशन के ये है पासवान जो ये जीनियर साहब तकसीम कर रहे हैं, लेकिन कोई इंसाफ नहीं किया जा रहा और यहाँ पर हमने ऐसा देखा है कि मुस्लिम खवातीन भी बहुत सारी आइटम ले रही हैं। तो मेरी तमाम पासवानों से दरख्वास्त है कि जब भी आएँ तो आप पहले सिचुएशन को कंट्रोल करें और विज़िट कीजिए एरिया के अंदर, घरों के अंदर विज़िट करें और घरों में जाकर आप इन आइटम्स को दें। जब आप रोड पे देंगे तो वहाँ पर आपको कोई पता नहीं चलेगा कौन ले रहा है, कौन हकदार है, कौन जो है डिज़र्व करता है या नहीं करता, किसी का घर जला है नहीं जला, हर कोई आ रहा है और यहाँ से रिसीव कर रहा है आइटम। तो इस चीज़ को इंश्योर कीजिए, आप घरों में जाएं विज़िट कीजिए और वहाँ पर घरों के अंदर जाकर आइटम दीजिए। तो जब आप ऐसे देंगे जैसे मैंने कर रही है और मैंने साथ हो, जैसा कि मैं आज जड़ावाला के अंदर अपनी सारी टीम के साथ आ चुका हूँ, भाई शकील नदी चोरण पासो यूनि साहब और भी खुदा के साथ हमारे साथ के अंदर। सो मैं कराची से फास्टर अशरफ गड्डी यहाँ पर आया हूँ खिदमत के लिए। आज सारा दिन मैंने घरों के अंदर विजिट किया, खिदमत की, जो भी खुदा ने मेरे दिल में डाला और इसके पीछे सारी एफर्ट जो है खुदा के खादम मेरे सीनियर पास्टर शफीन खान साहब जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे इनक्रेज किया, मेरी सपोर्ट की और उसके साथ साथ दुआओं के साथ भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। मैं अपने तमाम तर कलीसिया के मेंबर्स का द क्राइस्ट शेपर्ड चर्च की तमाम तर कलीसिया का शुक्रगुजार हूँ और उन तमाम तर बेटियों बेटों का भाइयों का जिन्होंने
اس پہ ڈونیشن کیا کہ مجھ پر اعتماد کر کے مجھے یہاں پر بھیجا. خداوند سب کو برکت دے, اور جو کچھ انہوں نے مجھ پر اعتماد کر کے یہاں پر بھیجا ہے, میں بڑی وفاداری ایمانداری کے ساتھ ان کی امانت جو ہے ان تمام تک ڈیزرو خاندانوں تک پہنچائی ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. تھینک یو.